लगभग कितनी करनी पड़ती है मेहनत? छोटा बच्चा दौड़ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, झातन झातन और बिजली अलग देखो, ओले गिरने स्टार्ट हो गए। ये हेलो, ओले खाने में मस्त है। अरे भिगो गए भैया, ओले बहुत बड़े बड़े गिर जाते हैं। अभी हम लोग को वहाँ पर जाना है, थोड़ा और बताओ। बादलों की घड़घड़ाहट होने स्टार्ट हो गई है, देखो हम लोग हमको ट्रैकिंग पड़ गई है, बहुत ज़्यादा टफ। जय देवभूमि जय उत्तराखंड, नहीं तो हम तो ऐसे अपने बना रहे ना। और हमारा फनी भांजा दौड़ लगाते हुए फिर दोबारा एंड कर देंगे, हमसे क्या करना है। बारिशों की घड़घड़ाहट स्टार्ट और दौड़ लगा रहे हैं हम लोग। ये जगह थी जो बारिश से बचने के लिए थी, लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन अभी हम लेकिन हमको जाना है जल्दी जल्दी। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक पौराणिक काल के 10वीं शताब्दी में बने मंदिरों का समूह। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आज हम आपको घुमा रहे हैं कौसानी। कौसानी घुमाने तो आज हम मैं आपको घुमा रहा हूँ कौसानी। कौसानी के जो विजिटिंग प्लेस हैं वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो क्या है, बाबा जी के दरबार से बैजनाथ मंदिर, जो 10वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। और मतलब ये जो राजधानी थी ना पूरी, ये कत्यूर वंश के राजाओं द्वारा ये मतलब बनाया गया, और ये कत्यूर वंश के राजाओं मतलब राजाओं की राजधानी थी उस टाइम पे 10वीं शताब्दी में। तो अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पूरा बैजनाथ टेम्पल। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर समूह हैं, देखिए ये सारे के सारे जो मंदिर थे वो उस टाइम बने हुए थे उड़द की दाल से और पत्थरों से, मतलब सीमेंट की जगह पे उस वक्त उड़द की दाल यूज़ होती थी। तो कुछ ये मंदिरों का ऐसा है सीन शॉट ऐसा। यहाँ पर ये मंदिर है गरुड़ में, गरुड़ में बागेश्वर में, इसलिए कौसानी से इसकी डिस्टेंस है करीब 18 किलोमीटर। तो आपका कौसानी का साइड सीन में ये मंदिर आप आराम से घूम सकते हैं। तो ये काफ़ी है खूबसूरत, आप देखो मंदिर का नज़ारा, और सामने साथ साथ में है, इसके सामने है एक झील। यहाँ पर झील देख सकते हैं सामने, ये पूरी झील है, और आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और सब कर सकते हैं। ये है आपका गोमती बैराज, नीचे है गोमती नदी और ये पूरा है गोमती बैराज। तो ये ऐसा कुछ यहाँ का है नज़ारा। तो साथ में जो कुमाऊं की कला है ऐपण कला, ऐपण कला का एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया। ये इसे बोलते हैं वसुधारे बोलते हैं ऐसे, मतलब पहले से क्या था, अभी तो पेंट के बने हुए हैं, वाइट रंग का पेंट ऐसा लगाया और रेड कलर का पेंट यूँ। पहले वहाँ पर होती थी मिट्टी यूज और जहाँ पर चावल के आटे का पानी, ऐसे तो ऐसे वसुधारे बोलते थे। तो यहाँ पे इसी झील के किनारे वो दिए गए हैं, देखो आप कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो बैजनाथ मंदिर है वहाँ पर, हम लोग आए हैं इधर गोमती नदी में, इधर को आगे यहाँ से आगे वो पूरी झील है, पूरा पानी इकट्ठा हुआ है और हम लोग थोड़े पानी में आए हुए हैं। पानी इतना गहरा नहीं है कि आप यहाँ पर नहा सकें, लेकिन थोड़े हम लोग अपने हाथ पांव भिगा लेते हैं। कैसा लगा मंदिर यहाँ का, कैसा लगा तुमको, कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा है, प्राचीन प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो अभी हम कर रहे हैं गोमती रिवर में थोड़े फोटोग्राफी, इसके बाद आपको कौसानी के और विजिटिंग प्लेस घुमाने वाले हैं। तो पूरा का पूरा ब्लॉग देखना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बैजनाथ टेम्पल के बाद हम लोग आए हैं चाय बागान में, ये भी बागेश्वर रोड पे ही है। सामने यहाँ पर रेस्टोरेंट है हिमालयन मैन वही होता है, मानंदा सॉल फैक्ट्री भी है, आप सॉल यहाँ से खींच सकते हैं सामने आते हैं। यहाँ पर नीचे फैक्ट्री है, उधर कुमांचल सॉल हथकरघा उद्योग है जहाँ आपको बनते हुए दिखाई देगा। अभी हम वो भी दिखाएंगे आपको बनते हुए सॉल कैसे बनते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं टी गार्डन की ओर को, यहाँ को है टी गार्डन। तो हम लोग आ गए हैं चाय बागान में, यानी टी गार्डन कौसानी। ये काफ़ी ऊपर तक है, ऐसे बीच में से स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स चल चलते जाना है ऊपर की ओर को, देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारे हैं इसके आखिरकार। तो देखो ये है पूरा टी गार्डन, हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा टॉप और बचा हुआ है, हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है,
सीढ़ियां से चढ़ने। हाथ खराब हो गई हैं? तुम तो पतली दुबली हो, देखो मोटे लोग नहीं आ पाते। तो चल तो रहे हैं, ज्यादा कितना चलेंगे? दौड़ आए तो ऊपर तक पहुंच जाएगा अभी तक। आप लगा के दिखाओ। मैं तो मोटा हूं ना, तुम पतली हो। तो ये है कुछ नज़ारा यहाँ के टी गार्डन का। तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, आप पत्ते तोड़ के लेके भी जा सकते हो भाई, घर जा के सुखाना और चाय बनाना अपने पास। थोड़ा इसका ना पेड़ हमको उसकी तरह लग रहा है, जैसे मतलब बहुत हार्ड है ना पत्ता इसका। तो ये है कुछ नज़ारा। उस साइड में प्लम के पेड़ भी हैं इसमें, और काफल के पेड़ भी हैं। कहना लगा टी गार्डन बहुत बढ़िया टी गार्डन, लेकिन छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, छोटा है टी गार्डन ना। गाय चोरी कहते हो, पकड़े गई हो तुम कैमरे में मेरे। इसने चार पत्ते पूरे तोड़े हैं टी गार्डन से। चार नहीं है, आठ है। आठ पत्ते तोड़े हैं पूरे। तो ये था टी गार्डन। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पर कुछ विजिटिंग प्लेस होते हैं, वहाँ आपको घुमाते हैं। ठीक है, अभी नहीं, अभी पहले मैंने आपको सॉल फैक्ट्री दिखानी है। सॉल फैक्ट्री दिखाऊंगा पहले आपको, फिर हम जाएंगे ऊपर कौसानी, जहाँ मेन चौराहा था, जहाँ पे पिछला वाला ब्लॉग एंड हुआ था। वो दिखानी तो वो देख लेना। हाँ, तो आपका ये क्या बोलते हैं, कितनी तोड़ लेते हो दिन में आप ये पत्तियाँ? हैं इतनी तोड़ी है, इतनी तोड़ी है, ये पूरा भर जाता है, क्या बोलते हैं इसको? क्या टोकरी, हमारे यहाँ पे टोकरी बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं? इसे डॉग बोलते हैं, डॉग क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं। तो कितनी तोड़ लोगी आज? दो किलो। दो किलो तोड़ लोगी पक्का? तो निहारिका देखो यहाँ पर कर रही है फोटो शूट, ये टी स्टेट में। तो अभी कितनी तोड़ ली तुमने पत्तियाँ? मैंने बहुत सारी तोड़ ली हैं। हाँ। देखो इसने फोटो सेशन करा लिया अपना। तो इनके आजीविका, आपका आजीविका सारा यही होगा ना? तो आप पत्ते भी तोड़ते हो? आप भी तोड़ते हो पत्ते? अच्छा, वो पत्ते भी तोड़ते हैं, वो कैमरे में आनंद जाते हैं, थोड़ा साए हैं इसलिए। बाकी हमने फोटोग्राफी कर लिया निहारिका और नितिन दबा के। मैं भी करने वाला था, फिर मैंने कहा ये तो सर औरतों वाला होता ना यार, हमको फ़ायदा नहीं। नहीं, औरतों वाला होता है, वाला होता है। तो हम लोग आ गए हैं सॉल फैक्ट्री में, पता नहीं कि यहाँ बन रहे हैं सॉल। तो एक सॉल बनने में कितना टाइम लग जाता है आपको? सर एक सॉल बनाने में 2 घंटे लगते। 2 घंटे लगते हैं? हाँ। अच्छा, और एक दिन में कितना बना लेते हो आप? वैसे हम 8 घंटा काम करते हैं, 4 पीस बनते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट का है कि आपका पर्सनल? एनजीओ का है सर। अच्छा, एनजीओ का है। अच्छा, आपको कितने साल हो गए काम करते करते यहाँ? सर मेरे को तो यहाँ हो गए 18 साल। अच्छा, पहले वहाँ करता था मैं पंजाब में। पंजाब? अच्छा, अब यहाँ 18 साल हो गए। तो घर तुम्हारे यहाँ छो? घर मेरे बागेश्वर। बागेश्वर? अच्छा, देखिए धागा आ रहा है ऊपर से नीचे, देखो मशीन चल रही है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी मशीन है और बहुत सारे बैठे लोग बैठ के यहाँ पर सॉल बनाते हैं। कलर के यहाँ पे आप बना सकते हैं सॉल। अपने अपनी इच्छा अनुसार भी आदमी बना सकता है ना। हाँ सर, क्यों? उसे क्योंकि वो अगर घूमेगा कौसानी में। हाँ, तो आप 2 घंटे बना के दे दोगे ना उनको। हाँ सर। तो ये अलग अलग धागा है यहाँ पे बहुत सारा। तो वो क्या है, ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देकर तुरंत आपको 2 घंटे में सॉल बन के मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर गांधी जी का चरखा था ना, वैसे ही सूत का चल यहाँ पर चरखा भी है। ऐसे भी है मशीन जो पुरानी है। ये हथकरघा उद्योग है, तो आप यहाँ आइए और खरीदिए, उनको प्रमोट कीजिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा है नज़ारा, देखो आप कितना प्यारा है ना, कितने प्यारे प्यारे खेत हैं। वो रास्ता जा रहा है रुद्रधारी फॉल के लिए, वो सामने वाला, ऐसे ही
काटली गांव बिजोरिया बैंड भी निकल जाएगा नीचे से, नहीं तो ये रास्ता हम लोग को अगर हम जाएंगे वहाँ रुद्राई तो वहीं से नीचे भी निकल जाएगा। अच्छा वही जाओगे लिंक रोड से ही नीचे कटोगे। अच्छा वो सामने उसके अंदर, उसके अंदर नहीं है बहुत आगे है, बाकी से आगे वो। तो यहाँ काटली गांव है, छोटे छोटे कौसानी के गांव। तो अभी पहले हम लोग आ रखे लंच करने के लिए अपनी दीदी के यहाँ। ये हमारा क्यूट सा भांजा, फनी भांजा, फनी भांजा, फनी भांजा। हमने वाला पेड़ है ना काफल का, देखो इसमें लगे हुए काफल बहुत सारे। तो फिलहाल हमने दीदी के यहाँ से कर लिया लंच, भाई वहीं सो गया, नीतू आ रही है निहारिका, और हम लोग जा रहे हैं कौसानी के रुद्रदारी टेंपल में जहाँ वाटरफॉल भी है, वो काफ़ी खूबसूरत है। उसका रास्ता, उसका रास्ता भी दिखाऊंगा साथ साथ में, और साथ साथ में आपको रुद्रदारी फॉल का ट्रैक भी दिखाऊंगा। लोग सिंगल में दिखाते हैं लेकिन मैं आपको कौसानी विजिटिंग प्लेस में ये दिखा रहा हूँ। तो ये है रास्ता, देखो हम लोग पहुंच गए बेस कैंप पर रुद्रदारी के। अब यहाँ से रुद्रदारी फॉल का ट्रैक हमारा होता है स्टार्ट। तो हमारा फनी भांजा भी हमारे साथ आ चुका है, ये और नीतू और निहारिका। भाई सो गया है, मैं पहले आपको बता देता। तो ये है रुद्रदारी ट्रैक, कौसानी से करीब आपके 7-8 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, पहले काटली गाँव, फिर काटली गाँव से ट्रैक है 2 किलोमीटर का, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अभी चलते चलते पता चलेगा कि क्या कैसा ट्रैक है। रास्ता पहले पहले यहाँ से हो गया है डाउन, जब मतलब वीडियो डाउन है, जब हम वापस आएंगे तो हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा टफ, लेकिन मज़ा काफ़ी आने वाला है। वो उधर नदी बह रही है, उस नदी का नाम है कोसी, मे बी ये रास्ता भी उधर ही जा रहा होगा, मुझे मतलब इस चीज़ का अनुमान नहीं है। आज मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो पहली बार आता था मैं काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि तो भाई बोला था अरे कुछ नहीं कुछ देर लेटते, तो वो खा के सो गया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगा पूरा आगे तक, जब आया हूँ तो फिर दिखाना ज़रूरी है। हाउ यू आर फील नाउ? नाइस नाइस। व्हाट्स अबाउट द ट्रैक? क्या व्हाट्स अबाउट द ट्रैक? ये इजी है कि मॉडरेट है कि वही टफ है? ये टफ है, इजी है। हाँ तुम आ गए तो इजी है, फिर मैं भी आ गया तो इजी है। पीछे वहाँ पे लोग बकरियाँ चला रहे हैं। अभी ये रास्ता यूँ चढ़ गया देखो ऊपर, अब वो वहाँ पे घंटी भी लगी हुई है। हम लोग को जल्दी जल्दी पहुँचना है, वापस जाना है क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, ऊपर बारिश का, बिजली चमक रही है तो बारिश बरसती है। मांजा ए फनी मांजा, फिर प्यार वाली फीलिंग लाना भांजा। ओके पहुँच चुके हैं रुद्रदारी टेम्पल, उधर उसका वाटरफॉल है, इधर रुद्रदारी टेम्पल है। तो सामने है ये रुद्रदारी वाटरफॉल, और ये है रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर रुद्रदारी टेम्पल। ये देखिए ना पूरा इसके ऊपर नज़ारा बहुत जबरदस्त है। अब बारिश होने वाली है, देखो यहाँ मजे हो रहे हैं, इनको फोटो शूट क्या हो रहा है यहाँ बारिश होने का मौसम हो रहा है। तुम चप्पल वहीं ऊपर ही उतरा क्या रखे हो? तो ये है करीब 2 किलोमीटर ट्रैक था, ज़्यादा कठिन नहीं था, आप आराम से आ सकते हैं। बादलों की घड़घड़ाहट होने स्टार्ट हो गई है, देखो हम लोग हमको ट्रैकिंग पड़ गई है बहुत ज़्यादा टफ। ट्रैक में कितनी घंटे पड़ती है मेहनत, छोटा बच्चा दौड़ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, झनाथन झनाथन और बिजली अलग, देखो ओले गिरने स्टार्ट हो गए। ये हेलो ओले खाने मस्त है, अरे भिगो गए भैया, ओले बहुत बड़े बड़े गिर जाते हैं। अभी हम लोग को वहाँ पर जाना है, थोड़ा और बचा हुआ है। अच्छा तो मैं नीचे चल रहा, मम्मी नीचे चल रहे हैं, ठीक है भाई मम्मी के साथ है। अच्छा ठीक है ना। तो हे देखो अभी कभी कभी ना ऐसा भी होता है, ये ड्राइवर बता, ये तो ऐसे क्या बोलते हैं बकरी के बहुत सारे यहाँ पे वो हैं,
तो हम बकरी के बच्चों के हाथ ही ट्रैक कर रहे हैं। ये इतना प्यार करा बैठे में पकड़े से हाँ ये रुक जा रहा है, रुक नहीं रहा है, अभी रुक नहीं रुकेगा, ऐसे तो रुक जाएगा। ये छोटा था ये, अरे ये बहुत छोटा है ये पीछे वाला। हाँ ये छोटा ही तो है वाला भी, ये पीछे वाला देखिए। तो ये था ब्लॉक कौसानी के विजिटिंग प्लेस का। यहाँ पे हैं बहुत सारे होटल जहाँ आपको मिल जाएंगे करीब 600 रुपये से लेके, मतलब जहाँ जहाँ तक आपकी जेब है करीब 10-10 हज़ार तक यहाँ पे होटल हैं वन नाइट के स्टे पे, क्योंकि यहाँ पे होटल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो आप आके आराम से, तो आप आ सकते हैं आराम से कौसानी और आराम से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।